नमस्ते दोस्तों, कारनेशन हैशटैग इस चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस कार के बारे में डिटेल में रिव्यू लेंगे वो है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। तो अगर फ्रंट आप देखेंगे कार का, तो इसमें आपको जो है वो एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिया है इसमें, तो थोड़ा एसयूवी का लुक आता है स्मॉल कार में। उसके बाद अगर फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो इसमें आपको ये देखिए सामने जो ब्लैक कलर का एक ग्रिल दिया है ये ब्लैक कलर में आता है। हेडलैम्प्स जो है डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स है, और हेडलैम्प्स इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स है। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो डे टाइम रनिंग लैंप फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया गया है। साइड इंडिकेटर्स जो है वो फेंडर पे दिए है इस पर। उसके बाद अगर टायर साइज़ देखेंगे तो ये देखिए 165/70 रिम डायमीटर जो है वो 14 इंचेस रिम डायमीटर आता है इसमें। तो रोड ग्रिप वगैरह स्मॉल कार में आपको 14 इंचेस टायर्स दिए तो रोड ग्रिप वगैरह बहुत ही बढ़िया मिलेंगे इसमें। उसके बाद अगर सस्पेंशन देखेंगे तो फ्रंट सस्पेंशन जो है वो मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन आते हैं, और रियर जो है वो टॉर्शन बीम सस्पेंशन है। तो इसमें आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी आपको शॉक ऑब्जर्व जो है वो इसमें बढ़िया दिया है, तो अंदर बम्स वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद अगर इसका फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे तो फ्रंट जो है वो इसमें डिस्क ब्रेक आता है, और रियर जो है वो ड्रम ब्रेक्स आएंगे इसमें। उसके बाद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें, जो ब्रेकिंग सिस्टम को और भी इफ़ेक्टिव करता है और सेफ्टी और भी बढ़ाता है कार में। उसके बाद अगर मिरर और डोर हैंडल्स देखेंगे तो बॉडी कलर मिरर डोर हैंडल्स इसमें आपको अवेलेबल है, जो कार का लुक जो है और भी रिच कर देता है। उसके बाद हम इंटीरियर के बारे में थोड़े इसका जानकारी लेंगे। अगर की देखेंगे इसकी तो इसमें आपको दो की दी गई, एक सेंट्रल लॉक आती है और दूसरी जो नॉर्मल की में इसमें अवेलेबल है। और इंटीरियर अगर देखेंगे न्यू एस्प्रेसो का तो इसमें आपको ऑल न्यू ब्लैक कलर इंटीरियर दिया है, जो गाड़ी का लुक जो है अंदर से इंटीरियर लुक जो है वो और रिच कर देता है। मिरर जो है मैन्युअली एडजस्टेबल है, इंटरनली एडजस्टेबल है, तो फीचर और भी इसमें जो स्मॉल कार में वो फीचर बहुत ही अच्छे फीचर्स इसमें दिए। उसके बाद अगर सेफ्टी फीचर्स देखेंगे तो डुअल एयरबैग्स है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड के लिए दोनों सीट बेल्ट रिमाइंडर है। उसके बाद स्पीड अलर्ट आता है इसमें, रिवर्स सेंसर्स, एसी जो रहेगा इसमें नॉर्मल मैनुअल एसी आएगा। और टॉप एंड मॉडल अगर आप लेते वी एक्स आई प्लस तो इस प्रकार से इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आएगा 17.78 सेंटीमीटर का। इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट से कॉल लिसन कनेक्ट ड्राइव, लिसन में आप AM/FM सुन सकते हैं। फिदर टच एक इसमें आपको ऑपरेशन दिया, मीडिया है, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ थ्रू। उसके बाद ऑटो एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले, तो जो बड़ी बड़ी कार में जो फीचर्स आते हैं वो ये मारुति ने स्मॉल कार में आपको सब फीचर्स दिए। उसके बाद अगर आप स्पीडोमीटर वगैरह देखेंगे तो स्पीडोमीटर वगैरह इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर दिया है, और ये राउंड शेप में आपको सेंट्रल कंसोल दिया है, तो गाड़ी का लुक जो है और एनहांस हो जाता है इससे। उसके बाद एसी वेंट जो है 4 एसी वेंट दिए इसमें, क्रोमासेंट भी दिए, तो लुक जो है और उभर के आता है इसमें। उसके बाद 12 वोल्ट एक्सेसरीज सॉकेट है,
उसके बाद यूएसबी ऑक्स पोर्ट पे है यहाँ पे, एक बार दिखा देता हूँ। ये देख, मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ट्विन कप होल्डर है इसमें, मोबाइल होल्डर है। और स्टेयरिंग के राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉइन होल्डर भी दिया है इसमें। तो स्पेस वगैरह, यूटिलिटी स्पेस भी ज़बरदस्त यूटिलिटी स्पेस है। ये बॉटल होल्डर से, उसके बाद मैगजीन होल्डर से डोर पे। एसी अगर देखेंगे इसका तो ये देखिए, पावरफुल एसी भी इसमें दिया है स्मॉल कार में आपको। इसमें आपको रिवर्स कैमरा नहीं आएगा, रिवर्स सेंसर है इसमें लेकिन कैमरा दिया नहीं है, सिर्फ बिप बिप आवाज़ आएगा, लेकिन आपको पीछे का कुछ दिखेगा नहीं। तो कैमरा भी कंपनी ने देना चाहिए था, वो कंपनी ने इसमें कैमरा दिया नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल्स दिए, उसमें आप चैनल चेंज कर सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद म्यूट मोड चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिए तो यहाँ पे आप फ़ोन रिसीव कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी दिया है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिए। स्मॉल कार में अगर देखेंगे तो फर्स्ट इन क्लास ही रहेगा वॉइस कमांड वगैरह। आप ऑन द वे है और आपको किसी को कॉल लगाना है या मैसेज सुनना है तो आप वॉइस कमांड पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा मैसेज वो वहाँ पे रीड करके सुना देते। उसके बाद किसी को कॉल लगाना है तो आप उनका नाम ले लेंगे तो उनको भी कॉल लग जाएगा, आपको मोबाइल हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूल सनवाइजर से यहाँ पे, और सीट के अपहोल्स्ट्री अगर देखेंगे आप तो ये देखिए बढ़िया अपहोल्स्ट्री दिए इसमें। और सीटिंग पोजीशन भी अच्छे दिए, सीटिंग का डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया दिया है। हेडरेस्ट जो है इसमें इनबिल्ट हेडरेस्ट आएगा, फ्रंट हेडरेस्ट जो है इनबिल्ट हेडरेस्ट है। गियर नॉब जो है वो नॉर्मल गियर नॉब इसमें दिए है। और स्टेयरिंग भी देखेंगे आप तो पूरा ब्लैक कलर का नॉर्मल स्टेयरिंग दिया है और एस बैजिंग दिया है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज आते हैं, ये देखिए सेंट्रल कंसोल में। तो आपको इस मॉडल में एस्प्रेसो के ऑल मॉडल में आपको फ्रंट पावर विंडो ही रहेगी, एलेक्साई में पावर विंडोज नहीं आएगी। बाकी के जो VXI और VXI प्लस है उस वेरिएंट में आपको पावर विंडोज जो है वो फ्रंट टू पावर विंडोज सेंट्रल कंसोल में रहेगी। उसके बाद इसमें जो वाइपर्स है वो ड्यूल ब्लेड वाइपर्स आएंगे जिससे जो ग्लास है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा पीछे का भी आपको मैं सीटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। और अगर इसका आप डोर ओपनिंग देखेंगे तो 90 डिग्री में इसका डोर ओपनिंग होता है तो आपका इन आउट जो है वो इजी इन आउट हो जाएगा इसमें। तो आपको चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर पीछे के हेडरेस्ट देखेंगे तो इनबिल्ट हेडरेस्ट आते हैं इसमें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और रियर जो विंडोज़ है वो मैनुअल विंडोज़ रहेगी, सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज़ इसमें आपको अवेलेबल है। उसके बाद स्पीकर जो है वो फ्रंट स्पीकर दिए डोर में। ये देखिए फ्रंट स्पीकर है और बूट ओपनर भी आगे ही दिए। और अगर बैक अगर देखेंगे अपना तो पूरा SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिया है, तो स्मॉल कार में आपको पूरा SUV का इसमें फील आएगा लुक वगैरह। उसके बाद अगर बम्पर्स देखेंगे फ्रंट रियर इसमें तो स्पोर्टी ब्लैक कलर बम्पर्स इसमें आपको अवेलेबल है। और रियर सेंसर्स है इसमें,
दो सेंसर दिए, रियर सेंसर, रियर हेड लैम्प्स, रियर टेल लैम्प्स अगर देखेंगे इसमें तो स्प्लिट टेल लैम्प्स इसमें आपको अवेलेबल है विथ मल्टी रिफ्लेक्टर। उसके बाद अगर बूट स्पेस देखेंगे तो स्मॉल कार में सबसे बढ़िया बूट स्पेस आपको इसमें अवेलेबल है, 290 लीटर के बूट स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी दिए जो आप निकल के बाद में रख सकते हैं। उसके बाद अगर इंजन के बारे में हम जानकारी लेंगे तो इसमें 3 सिलेंडर 1000 cc इंजन मारुति ने इंट्रोड्यूस किया है। ये नेक्स्ट जनरेशन के सीरीज एल्यूमिनियम इंजन है, इसमें आपको SDLI टेक्नोलॉजी आएगी। उसके बाद पर सिलेंडर 4 वॉल्स है तो ब्रीदिंग वगैरह इसमें अच्छा होगा, इसमें पावर आउटपुट वगैरह ज़बरदस्त है। पेट्रोल में देखेंगे तो आपको 23 का माइलेज है और ये ड्यूअल फ्यूल में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, पेट्रोल प्लस CNG में। तो ये थी न्यू एस्प्रेसो के बारे में थोड़ी जानकारी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।